हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सफारी सूट पैंट कटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने सफारी सूट कटिंग किस तरह की जाती है सीखा था। यदि आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सफारी सूट के लिए परफेक्ट पैंट कटिंग किस तरह की जाएगी सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, पैंट की जो लेंथ है वो 39.5 इंच है, वेस्ट या कमर 31.5 इंच है, हिप 38.5 इंच है, थाई या जांग 22 इंच है, नी या घुटना 16.5 इंच है और मोरी 13 या 13 इंच है। आप इस मेजरमेंट को पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है, इसलिए कपड़े को हमें इस तरह से उल्टा बिछा लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, कपड़े को हमें इस तरह से बिछा लेना है। सबसे पहले हमें डिफेक्टिव कपड़ा या रेशेदार कपड़े को अलग कर देना है। देखिए, मोरी के लिए यहाँ पर नॉर्मली हम 2.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। देखिए, आप 2 से 2.5 इंच कितना भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने 2.5 इंच कपड़ा मोरी के लिए छोड़ा है। देखिए, यहाँ पर हमें सीधे स्केल की सहायता से मार्क कर लेना है। देखिए, मोरी के लिए 2.5 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए, हमारे पैंट की जो लेंथ है वो 39.5 इंच है, तो आधा इंच सिलाई में जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 14 इंच या 40 इंच पर मार्क किया है, दैट मीन 40 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पर बेल्ट के लिए 1/2 इंच पर हमने मार्क किया है। देखिए, 1/2 इंच पर एक मार्क यहाँ पर किया है। अब हमें लटक के लिए मार्क करना है, तो लटक के लिए हमारे पास जो हीप है वो 38.5 इंच है। यदि हम 38.5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9.5 और एक सूत होता है। तो देखिए, हीप को हमने 4 से डिवाइड किया और 9.5 और एक सूत होता है, बट जो कस्टमर है पैंट को नीचे बांधने वाला है, इसलिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम करना होगा। यदि कस्टमर पैंट को ऊपर बांधता तो उस कंडीशन में हमें हिप से 4 से डिवाइड कर मार्क करना होता, बट कस्टमर पैंट को नीचे बांधेगा इसलिए हमें 9.5 में से 1/2 इंच कम कर देना है, दैट मीन्स 9 इंच पर मार्क करना है। देखिए, वेस्ट को 4 से डिवाइड कर 1/2 इंच कम करके यहाँ पे हमने मार्क किया है लटक के लिए। यदि कस्टमर पेंट ऊपर बांधता था फिर हम 9.5 इंच पर मार्क करते। देखिए, हमारी जो टोटल लटक हो चुकी है वो 10.25 इंच हो चुकी है। देखिए, 10.25 इंच की हमारी यहाँ पर लटक आएगी क्योंकि कस्टमर जो है पेंट को नीचे बांधेगा। देखिए, अभी यहाँ पर टोटल हमारे पास जो कपड़ा बचा है वह 30 इंच कपड़ा बचा है। देखिए, 30 में एक सूत कम बचा है, इसे हमें आधा कर लेना है, तो 15 में एक सूत कम, देखिए यहाँ पर, और घुटने के लिए हमें मार्क करना है तो आधे से 5 इंच ऊपर, तो देखिए आधे से 5 इंच ऊपर कितना होगा, 10 में एक सूत कम। देखिए, पहले आधा करना है फिर आधे में से 5 इंच कम कर देना है, तो ये हमारे पास घुटने के लिए मार्क आ चुका है। अब सभी मार्क को हमें सीधा कर लेना है, एक मार्क और लगाना है ताकि सीधी लाइन खींची जा सके। तो सभी मार्क को देखिए हमें इस तरह से आगे बढ़ा देना है। देखिए, सभी मार्क हमारे इस तरह से आगे बढ़ चुके हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। अब हमें थाई के लिए या जांग के लिए मार्क करना है, तो हमारी थाई 22 इंच है, 22 का आधा होता है 11, तो देखिए यहाँ पर हमें 11 इंच पर मार्क करना है, बट यहाँ पर हम 11.25 इंच पर कर रहे हैं, नॉर्मली हमें 11 इंच पर करना है। जब हम शेप देखें तो 1/2 इंच यहाँ से हमारा छट जाएगा। देखिए, 11.25 इंच पर हमने मार्क किया है, देख सकते हैं आप, जब लास्ट में हम शेप देंगे तो वह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 11.25 इंच पर मार्क किया है, 11.25 का आधा होता है 5.5 और एक सूत। देखिए, इसका सेंटर ले लिया है और 1/2 इंच पर इस तरह से हमने एक मार्क किया है। देखिए, अंदर की तरफ 1/2 इंच पर फ्लाई के लिए, देखिए 1/2 इंच पर मार्क किया है। अब इसी तरह से हमें नीचे घुटने के यहाँ पर भी मार्क कर लेना है और इसी तरह से सेंटर का निशान हमें सबसे पहले ले लेना है। देखिए, सेंटर के लिए मार्क के लिए 5.5 और एक सूत यहाँ पर आया है, उसी तरह सेंटर का मार्क हमें घुटने पर भी लगाना होगा, 5.5 और एक सूत।
और यही मार्क हमें मोरी पर भी लगाना होगा ताकि हमें सेंटर मिल जाए। 5.5 और 1 सूत्र हमें सेंटर मिल चुका है। अब सभी मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए ये हमें सेंटर मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जांग हो चुकी है। अब घुटने के लिए मार्क करना है तो घुटना हमारा 16.5 इंच है। 16.5 को 2 से डिवाइड किया तो 8.25 आता है। 8.25 को 2 से डिवाइड किया तो 4.1 सूत आया है। तो 4.1 सूत को देखिए हमने सेंटर में लिया है और 8.25 इंच हमें घुटने के लिए मार्क कर देना है। तो हमारे 16.5 इंच घुटने का मार्क आ जाएगा। देखिए घुटने का मार्क हो चुका है। सेम स्टेप हमें मोरी के लिए लेना है। पैंट की मोरी 13 इंच है। 13 को 2 से डिवाइड किया तो 6.5 आया है। 6.5 को 2 से डिवाइड किया तो 3.25 आया है। तो 3.25 को हमने सेंटर में रखा है और यहाँ से देखिए हमें दोनों तरफ 3.5 3.5 ले लेना है। देख में 6.5 ले लेना है तो हमें 13 की मोरी यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए 13 की मोरी का निशान हमारा हो चुका है। मोरी का मार्क यहाँ पर कम्प्लीट होता है। अब हमें यहाँ पर देखिए जो हमारे पास लटक से घुटने का मार्क है सर राउंड स्केल की सहायता से हमें मिलाना है कुछ इस तरह से, और इसी तरह से स्केल रखकर हमें इस तरफ भी मिला देना है। लटक से घुटने तक के मार्क को हमें राउंड स्केल की सहायता से मिलाना है और घुटने से मोरी तक का जो मार्क है उसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिलाना है। और यहाँ पर देखिए मोरी में हल्का सा बाहर होते हुए मार्क करना है। यहाँ पर भी हमें सीधे स्केल की सहायता से मिलाना है और मोरी के मार्क को हल्का सा बाहर होते हुए करना है। देखिए अब ऊपर की मार्किंग हमें करना है। चूंकि हमारी पैंट फिटिंग है इसलिए हमें देखिए नॉर्मल हम सीधी लाइन लेते हैं और यहाँ से चूंकि फिटिंग पैंट है इसलिए 1/2 इंच अंदर की तरफ होते हुए एक मार्क करना है। तो देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ हमने एक मार्क कर दिया है। यहाँ पर इस तरह से हमें शेप देना होगा फलाई के लिए। देखिए इस तरह से हमारा शेप आएगा। यहाँ पर 2.25 इंच अंदर की तरफ एक मार्क करना है जो कि फलाई के लिए हमारा मार्क होगा। देखिए फलाई के लिए मार्क हमारा लग चुका है। हमारे कस्टमर की जो वेस्ट या कमर है 31.5 इंच है। यदि हम 31.5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 में एक सूत कम आता है। देखिए 8 में एक सूत कम आया है और सिलाई में दोनों तरफ हमारा कपड़ा दबता है तो 1/4 इंच कपड़ा हम सिलाई में दबने के लिए ले रहे हैं। तो 8 में एक सूत कम और 1/4 इंच यदि हम लेते हैं तो 8.5 और एक सूत होता है। तो 8.5 और एक सूत टोटल हमारा यहाँ पर कमर आने वाला है जिससे हमारा कमर भी आ जाएगा और दोनों तरफ जो सिलाई में दबेगा वह कपड़ा भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जांग पे जो बाहर का मार्क है उसे मिलाते हुए राउंड स्केल की सहायता से हमें यहाँ पर मार्क करना है। देखिए यहाँ पर मार्क हो चुका है। अब देखिए जांग पर हमने 1/2 इंच कपड़ा ज्यादा लिया था। देखिए यहाँ पर हमें पहले 11 इंच ले लेना है। देखिए 11 इंच पर मार्क कर दिया क्योंकि हमारी जांग 22 इंच थी। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास राउंड स्केल होता है राउंड स्केल को कुछ इस तरह से हमें रखना है और इसे इस तरह से सीधा मार्क कर देना है जिससे यहाँ पर हमारे पास जांग के लिए प्रॉपर शेप आ जाएगा। तो जो 1/2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था वो यहाँ पर शेप देने में हमारे पास क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें हल्का सा ऊपर होते हुए मार्क करना है और आगे की तरफ करीब 1/2 इंच नीचे की तरफ होते हुए मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमारा मार्क हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब हमें पॉकेट के लिए मार्क करना है। तो पॉकेट के लिए यहाँ पर हम 2.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए 2.25 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर हम 7.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। देखिए 7.25 इंच पर मार्क किया है। आप 7 इंच भी कर सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पॉकेट के लिए हमारा मार्क हो चुका है। इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। तो देखिए हमारे पास पॉकेट के लिए मार्क हो चुका है और फ्रंट की हमारी पूरी तरह से मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। यदि आप सफारी सूट कटिंग वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है।
तो आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें कुछ इस तरह से बिछा लेना है। अब कितना कपड़ा हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, किधर होना चाहिए, हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें फ्रंट को इस तरह से बिछा लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्रंट को बिछा लेना है। ऊपर हमारे पास मिनिमम 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर देखिए हमने 1.5 इंच कपड़ा पहले ज्यादा कर लिया है। पीछे हमारे पास 1.25 इंच कपड़ा ज्यादा होना चाहिए फ्रंट के, तो पीछे भी हमने 1.25 इंच ज्यादा कर लिया है। देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें फ्रंट को बिछा लेना है। अब क्योंकि सफारी के लिए कपड़ा हमारे पास ज्यादा है, तो सबसे पहले जितना भी ज्यादा कपड़ा है उसे हमें अलग कर लेना है। देखिए इस तरह से जितना हमें कपड़ा लगने वाला है उसे अलग कर इस तरह से हमें अलग कर देना है। देखिए अब हमें मार्किंग करना है बैक कटिंग करने के लिए। तो देखिए कपड़े को हमें कुछ इस तरह से पहले बिछा लेना है। ऊपर हमने 1.5 इंच ज्यादा लिया है, पीछे 1.25 इंच ज्यादा लिया है, और यहाँ पर जो लटक का मार्क है उससे हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। यहाँ पर एकदम सीधा मार्क करना है। देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ पर चूंकि हमें फिटिंग पैंट चाहिए इसलिए 2.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। देखिए 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। देखिए लटक के पास 2.5 इंच पर मार्क किया, घुटने से हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है और मोरी से हमें 1.5 इंच पर मार्क करना है। देखिए हमारा मार्क यहाँ पर हो चुका है। देखिए सभी मार्किंग हमारे यहाँ पर हो चुकी है। ऊपर हमारे पास 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा है और पीछे हमने 1.25 इंच कपड़ा ज्यादा लिया है। देखिए पहले फ्रंट के बराबर हमने एक मार्क कर लिया है और इसे करीब 1.25 इंच ज्यादा लेते हुए, देखिए 1.25 इंच ज्यादा लेते हुए एक हमें इस तरह से राउंड स्केल की सहायता से मार्क कर लेना है। जिस तरह फ्रंट का हमारा शेप था उसी तरह से बैक के लिए भी शेप दे देना है। ऊपर हमें 1.5 इंच ज्यादा होते हुए इस तरह से स्केल रखकर मार्क कर लेना है। जिस तरह से हम स्केल की पोजीशन है आप उसे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए अब हमें पीछे कमर के लिए मार्क करना है, तो वेस्ट हमारा 31.5 इंच 31.5 है, उसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 में एक सूत कम आता है और पीछे 1 इंच का हमारा शल आता है, तो 9 में एक सूत कम हो गया और 1/2 इंच सिलाई में कपड़ा दबता है। तो इस तरह से 9.5 में एक सूत कम, डेट मीन्स हमारे पास जो कमर आई थी कमर से हमें 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना है, जिसमें 1 इंच शल का हो जाएगा और 1/2 इंच जो सिलाई में दबेगा वह हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास 9.5 में एक सूत कम पर हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर देखिए हमें मार्क करना है हिप के लिए, तो हिप हमारे 38.5 थी, 38.5 को 4 से डिवाइड किया तो 9.5 और एक सूत आता है। अब जितना हिप का 4 से डिवाइड आया है उसमें 1 इंच बढ़ा देना है, जिसमें 10.5 और एक सूत पर हमें हिप के लिए मार्क कर लेना है। देखिए हिप का मार्क हो चुका है। अब इसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिलाते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारा मार्क हो जाएगा। यहाँ से स्टिचिंग होने वाली है। देखिए फर्स्ट जो मार्क किया है यहाँ से हमारे पास कपड़े पे स्टिचिंग होने वाली है और सेकंड जो मार्क हम करेंगे वहाँ से हमारी कटिंग होगी। देखिए यहाँ से हमारे कपड़े की कटिंग होगी और ऊपर हमें यहाँ पर देखिए करीब 2.25 से 2.5 इंच कपड़ा ज्यादा लेना होता है, ताकि भविष्य में हमें कमर की कभी लंबाई कमर बढ़ाना हो तो कमर हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लटक से घुटने तक का मार्क है इसे हमें राउंड स्केल की सहायता से मिलाना है कुछ इस तरह से, और घुटने से मोरी तक का जो मार्क है उसे हमें सीधे स्केल की सहायता से मिलाना है। तो इस तरह से हमें मार्क को मिला देना है। देखिए इस तरह से हमारे पास बैक की सभी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी हमें कटिंग कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। इससे पहले हमने सफारी सूट कटिंग का वीडियो बनाया था, यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और यदि आप सफारी सूट स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करें उसको स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो बना सके। अब देखिए चूंकि यह सूट की पेंट है और आगे चलकर यदि हमें कमर और जांघ बढ़ाना हो तो जांघ पर देखिए 1 इंच
कपड़ा हमने ज्यादा ले लिया है क्योंकि सूट की पैंट है जल्दी खराब नहीं होगी, इसे कस्टमर पहनेगा भी कम। तो आगे चलकर यदि हमें कमर और जांघ बढ़ाना हो तो जांघ के लिए 1 इंच कपड़ा हमने पहले ही छोड़ दिया है जिससे आगे चलकर जांघ भी बढ़ाई जा सकेगी कमर के साथ। नॉर्मल पैंट में हम ऐसा नहीं करते है, बट चूंकि ये सूट के साथ की पैंट है इसलिए हमने यहाँ पर जांघ पे भी 1 इंच कपड़ा छोड़ा है जिससे जांघ भी भविष्य में बढ़ाई जा सके। यदि आपको इसकी स्टिचिंग के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट से हमें जरूर बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।